हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एनसीईआरटी। आज हम क्लास फिफ्थ के फर्स्ट यूनिट के वंडरफुल वेस्टलैंड को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे। ये स्टोरी है जो एक खाना जो वेस्ट होता है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कोई इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखना चाहते हो तो लाइक से क्या होता है, आपको इजीली मिल जाती है सब्सक्राइब से। तो हम इस कहानी, सबसे पहले मैं इस कहानी का आपको परिचय देती हूँ। ये कहानी क्या है, एक केरला की, जहाँ पे क्या है, एवियल नामक एक जो नया डिश बनाई थी जो महाराजा ने, तो उसकी उत्पत्ति के बारे में है कि वो हमें जो वेस्ट मेटेरियल होता है, जैसे कुछ भी खाने में से जो छिलके वगैरह बचे रहते हैं, उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। तो इस कहानी में इसका इन्वेंशन हुआ है, मतलब नई डिश का इन्वेंशन हुआ है जो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। वंडरफुल वेस्ट डे। वेस्ट कैन बी क्वाइट एंड यूजफुल फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तुम इस स्टोरी में क्या सीखोगे, जो वेस्ट मेटेरियल होता है उसको कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, वंस द महाराजा ऑफ द ट्रेवेंकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। एक दिन महाराजा अपने महल में एक बहुत ही ग्रैंड, मतलब बहुत बड़ा डिनर के लिए क्या है, आदेश देता है। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. तो महाराजा क्या है, दोपहर में उस दावत के लिए जो खाना तैयार किया जा रहा है, जो डिश तैयार किया जा प्रिपेयर में तैयार की जा रही है फेस्ट, मतलब दावत के लिए, जो शाम को जो डिनर होगा बेबी होगा, उसको देखने के लिए जाता है किचन में कि तैयार हो गए, मतलब तैयार हो रहा है खाना, कैसे बन रहा है। What are you going to do with those vegetables scraps? तो वो एक टोकरी देखता है, वहाँ पे क्या है, बची हुई सब्जियाँ पड़ी, सब्जियों के छिलके रहते हैं। तो उससे पूछता है, जो ये टोकरी में है इस बची हुई सब्जी का, ही asked the cook, वो कुक से पूछता है, pointing to the basket of scraps near the cook, जो बास्केट में जो स्क्रैप बचे हुए छिलके वगैरह वेजिटेबल्स के, तो उसके बारे में पूछते हैं, इसका क्या करोगे। द कुक रिप्लाई, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक क्या रिप्लाई करता है, ये क्या है, बेकार है, मतलब ये वेस्ट है, वी विल क्या है, हम इसे दूर इसे हम उन्हें फेंक दिया जाएगा। तो You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तो महाराजा क्या बोलते हैं कि तुम इन्हें सभी सभी सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और find a way to use them. और तुम्हें उन्हें उपयोग करने का तरीका खोजना चाहिए। The महाराज commanded sternly and महाराजा क्या है, इंस्टेंटली उसे कमांड दे देते हैं एंड वेक्ड अवे, और वहां से चले जाते हैं। महाराजा क्या है, उसको आदेश दे देते कि इन सब्जियों का तुम उपयोग करो। द कुक वॉज फिक्स्ड एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स स्क्रैप फॉर सम टाइम्स। सडनली जो कुक होता है, जो खाना बनाने वाला, वो क्या है, एक जगह खड़ा हो जाता है, मतलब ये क्या है, एक फ्रेश है, और फिक्स इन ऑफिक्स, मतलब एक जगह खड़ा हो जाता है और सोचने लग जाता है, कैप्ट स्टेयरिंग, और घूरने लग जाता है इन सब्जियों की तरफ, और वेजिटेबल्स स्क्रैप, जो ये स्क्रैप जो बचा हुआ सब्जियों का जो छिलके वगैरह होते हैं, और समटाइम्स के लिए, और सडनली क्या होता है, अचानक से क्या करता है, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। उसके दिमाग में क्या है, अचानक से एक आइडिया आता है, अचानक से उसे एक विचार आया कि He took all the vegetables, bits, washed them and cleaned them well. वो सारी जो सब्जियों के टुकड़े होते हैं, उन्हें सबसे पहले उसने क्या किया, उठाया और उन्हें वॉश कर लिया अच्छे से और क्लीन कर लिया। Then he cut them into long strips. और उसके बाद क्या किया उसने, उन सबको एक लंबी लंबी पट्टियों में काट लिया, मतलब लंबी लंबी पट्टियों में काट लिया। He put them in
ह्यू पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। और क्या किया उसने, उसके बाद उसने क्या किया, उसे उन्हें एक बर्तन में रखकर पकाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टूगेदर। और उसके बाद क्या किया उसने, रसोई में ताजा नारियल, फ्रेश फ्रेश कोकोनट मतलब ताजा नारियल लिया, और ग्रीन चिलीज हरी मिर्च होती है जो, और गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन, लहसुन का पेस्ट लिया। एंड ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और क्या किया उसने इसके बाद, और पेस्ट को और कुछ नमक और पकड़ी जो सब्जियां पक रही थी उसमें मिला दिया, कुकिंग जो वेजिटेबल्स जो पक रहा था उसमें मिला दिया सम सॉल्ट को। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द पॉट। और उसके बाद क्या है, बर्तन से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। और उसके बाद क्या है किया उसने, दही को फेटा, व्हिप्ड मतलब फैट फैटना, कर्ड मीन्स दही को फेटा, और क्या किया उसने एड इन, और उसमें क्या करी में मिला दिया, एड इट इन टू द करी, और करी में उसे मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. और उसने उसमें क्या डाला, थोड़े से नारियल के तेल को भी मिला दिया, कुछ स्पून थोड़ी एक स्पून नारियल के तेल की मिला दी, और उसमें क्या किया उसने डिश को करी के लीव्स से सजा दिया। Lo and behold, the new dish was ready. क्या बोलता है सपने, उस नई रसोई से जैसे उसमें डिश करी के सजा देता है तो बोलता है लो नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और वो नई उस दिन उस जो नए शाम को मेहमान आते वो नई डिश क्या है मेहमानों को सर्व करता है। Everyone was eager to know the name of the new dish. और सब उस जो नई डिश बनी थी तो उस नई डिश का नाम जानना चाहते थे, सब लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते। The cook thought and thought. अब जो कुक होता है वो सोचता रहता है, सोचा और उसने सोचा, और then a name came to his mind. और तब उसके दिमाग में एक नाम आता है, he named it Oval. क्या नाम रख देता है उसका, उसके दिमाग में एकदम से उस एक नया सोचने पर उसके दिमाग में उस डिश का नाम आता है अवियल। तो उसका नाम क्या रख देता है वो अवियल, अवियल। तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अवियल, मतलब अवियल। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिश इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। और अब अवियल क्या है, अब पूरे केरल में क्या बहुत बहुत सबकी फेवरेट डिश बन चुकी है। और ये क्या है ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, मतलब जो जब से उसका आविष्कार किया है तब से ये चली आ रही है पारंपरिक, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी पारंपरिक केरला डिश ये सबसे फेवरेट बन गई है दावत, जो जब भी दावत होती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफिस। और ये आप सोच सकते हो ये कहाँ से आया है, ये सब एक कचरे की टोकरी से आया है। वैसे ही अगर आप भी चाहो तो आप भी अपने घर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूज करके ऐसे कुछ नया आविष्कार कर सकते हो। कुछ भी होता है घर में जो सामान तो उनको सोचो आप कैसे यूज करोगे। नेक्स्ट है इसके न्यू प्रेसेस इन ऑफिस और सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। इन ऑफिस मतलब बहुत कठिन सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए इसके। Flash across the mind, मतलब एकदम से कुछ एकदम फ्लैश अक्रॉस द माइंड, मतलब सडनली कुछ थिंक अपने दिमाग में कोई आइडिया आना। लो एंड बिहोल्ड लुक व्हाट अ सरप्राइज, मतलब लो एंड बिहोल्ड मतलब आप कुछ चीजें देखो मैं जो तैयार कर दिया सरप्राइज। एडिशनल फेस्ट मतलब हार्डली मील्स फॉर मैनी गेस्ट एंड सर्व्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन, जो एडिशनल फेस्ट जो एक स्पेशल ओकेजन पे तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द प्लेस फॉर, क्या तैयार किया जा रहा था, क्या तैयार किया गया था। द प्रिपरेशन इन द प्लेस वॉज फॉर अ ग्रैंड फेस्ट, किसके लिए तैयार किया जा रहा था ये जो खाना था वो क्या किसके लिए था, ग्रैंड फेस्ट के लिए, बड़ी दावत के लिए। व्हाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा दोपहर में किचन में क्यों गए थे,
The Maharaja went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast. वो देखने गए थे कि feast दावत के लिए क्या-क्या भोजन तैयार किया गया है, मतलब क्या-क्या खाना बनाया होगा महाराजा ने. What had the cook planned to do with the vegetables scrap? तो क्या प्लान करता है वो जो स्क्रैप जो बचे हुए होते हैं. The cook had planned to throw away the vegetable scrap. तो cook क्या प्लान करके रखता है जो महाराजा के आने से पहले उस जो स्क्रैप बचा हुआ जो सब्जी के टुकड़े वगैरह छिलके वगैरह होते हैं तो वो सोचते हैं उसे फेंक दिया जाएगा क्योंकि ये वेस्ट है. नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश. सर्कल द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑयल इन द बॉक्स ऑयल इन द बॉक्स बिलो. आप इंग्रेडिएंट मीन्स क्या होते हैं जो सामग्री, मतलब जो किसी भी डिश को बनाने के लिए जो यूज होती है क्या क्या सामान यूज होता है. तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आपको इसमें से चूज करना होगा क्या क्या यूज किया महाराजा ने. तो आप चिलीज यस चिलीज यूजेस, ग्राउंड नट नो, वुड नहीं, वुड तो लकड़ी तो कोई भी यूज नहीं करेगा ऑब्वियसली. वेजिटेबल्स स्क्रैप यस वेजिटेबल्स स्क्रैप्स यूज कर सकते हैं. कोकोनट यस, रोस्टेड पीनट्स नो, और कर्ड यस उसने लास्ट करी में क्या है कर्ड भी डाला था, पॉट नो, गार्लिक पॉट तो नहीं डालोगे ना करी के अंदर तो इसलिए पॉट नहीं डालेंगे. ओके गार्लिक यस क्योंकि गार्लिक को उसने पेस्ट बनाया था. ब्रोकन बैंगल्स नो, कांच को कौन डालेगा. बास्केट नो, करी लीव्स यस. तो आपको आपने अभी चैप्टर पढ़ा है और आप खुद से इसका आंसर लगाओ. ओके मैंने आपके लिए आंसर नीचे फिलअप कर दिया है वैसे, और आप खुद से भी आंसर बिना चीटिंग किए आप खुद से पहले आंसर लगाने की कोशिश करो. ओके चीटिंग नहीं करना है. एनसीईआरटी की बुक खोलो एंड ट्रू एंड फॉल्स. आप यहाँ पर भी चीटिंग नहीं करोगे. देखो क्वेश्चन नंबर 1, द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द प्लेस. क्या था ये बोलो आप. इसके आंसर खुद से करने की कोशिश करो इसके आंसर. ओके क्योंकि आप चीटिंग नहीं करोगे. वैसे मैंने आंसर आपको नीचे दे दिए तो फिर पहले आप खुद से इसके आंसर लगाओ. ठीक है. नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवेल बिफोर यस ये भी ट्रू है. द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप फॉल्स. अनदर नहीं बनाता है बस वो करी बनाता है उसी. ठीक है. नेक्स्ट है और रेसिपी इन द लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश द फॉलोइंग द सेंटेंस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवेयर नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर. जो यहाँ पे दिए गए ये करेक्ट नहीं है इसका ये कैसे बनाते हैं अवेयर. तो आपको क्या है इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने वॉश एंड क्लीन दी मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स. तो एक तो आपके लिए दिया गया और नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या किया था, कट दी वेजिटेबल्स स्क्रैप इनटू दी लॉन्ग स्ट्रिप में काटी थी. और फिर उसने उसके बाद क्या था, ग्राइंड सम कोकोनट एंड ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. तो ये थर्ड नंबर पे आता है. और फोर्थ पे क्या आएगा, विप सम कर्ड एंड मिक्स इन इट. तो उसने कुछ कर्ड को मिलाया था उसके साथ साथ अवेल के साथ. नेक्स्ट क्या किया था उसने, पॉर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप. और उसने कुछ स्पून टी स्पून किसकी डाली थी उसमें, कोकोनट ऑयल की. क्योंकि कहीं पर जैसे ये केरल वगैरह साउथ के साइड ये क्या है हम ज़्यादा कोकोनट यूज होता है जैसे. और ईस्ट में क्या किस चीज़ का होता है जैसे सर मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है. तो वैसे यहाँ पर किस चीज का, कोकोनट ऑयल का यूज होता है. तो उसने क्या डाला उसमें, कोकोनट ऑयल. तो और इसके बाद क्या किया उसने, डेकोरेट विद करी लीव्स. तो मैंने सही सीक्वेंस में यहाँ पर आपको आंसर दे दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू योर सेल्फ. ओके नेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल. जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वो अपने अपने चीज़ों सबसे पहले क्या करते हैं,
और घर आने के बाद इसको ऑर्डर में राइट करना है आपको। तो आप जब अपने स्कूल से घर आते हो तो आप कैसे कैसे अपने सामान को रखते हो, क्या करते हो घर में आके, तो यहाँ पे सही सही से नहीं लगाया गया। तो आप इसमें से सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप पैक स्कूल बैग करते हो? नहीं, स्कूल बैग तो आप पैक नहीं करोगे। सबसे पहले जब आप घर पहुंचोगे स्कूल से तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप पुट अवे स्कूल बैग, आप सबसे पहले अपने बैग को उतारोगे और फिर स्कूल ड्रेस चेंज करोगे, चेंज दी आउट ऑफ दी स्कूल यूनिफॉर्म। और फिर आप क्या करोगे उसके बाद, वॉशअप उसको साफ कर लोगे, नहा लोगे, यानी आप हैंड वॉश कर लोगे। और नेक्स्ट क्या करोगे, हैव अ लंच, फिर उसके बाद आप लंच करते हो। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, डू डू दी वर्क, या स्लिप भी कर सकते हो, स्लिप फॉर वाइल, जो आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हो। मैंने इसके आंसर यहाँ पर लगा दिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से करने की कोशिश करो हर चीज को, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक से मेक अ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू, जैसे ये पाउंड, पाउंडेड, पाउंडिंग, ओके? आप ऐसे बना सकते हो, ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नेक्स्ट है डू डू एनी, मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर लगा दी, मेंशन किए हुए हैं। वैसे डू एनी ऑफ दिस वर्ड यूज फॉर ऑल फॉर एडिंग क्लीन एंड टेस्टी। आप इसको एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी की बुक में फिलअप कर लीजिए, ओके? नेक्स्ट है फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर वन, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, उस फूड का नाम बताओ जो आपके घर में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है आपके घर में, फॉर अ फीस्ट फेस्टिवल व्हेन यू आर अनवेल, एवरीडे कब बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, और ये अपने फ्रेंड से ये इंफॉर्मेशन शेयर करो। आप फॉर फीस्ट के लिए बनाते हो, फेस्टिवल्स के बनाने बनाते हो और एवरीडे बनाते हो। इसका आंसर है द स्वीट डिश, स्वीडिश खीर, कचोरीज और सेवरल्स वेजिटेबल्स, दही वड़ा ईटीसी। ये क्या बनाते हो, फीस्ट के लिए बनाते हो। और खिचड़ी का बनाते हो जब आप बीमार होते हो। और एवरीडे क्या बनता है आपके घर में, चपाती, वेजिटेबल्स, पल्स एंड राइस एंड कर्ड, ओके? नेक्स्ट है अवियल इज अ डिश मेड इन केरला, डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो आपके आपके यहाँ पर क्या बनता है, आप जैसे ही वहाँ केरला में क्या बनाया गया, अवियल बनता है एक ट्रेडिशनल डिश, तो आपके यहाँ क्या पोहा बन सकता है। कलेक्ट ऑल द इंटीग्रेटेड, अब इसके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया, और आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें आंसर मेंशन कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पोहा बनता है, ओके? तो इसके लिए आप क्या क्या इंटीग्रेटेड यूज करते हैं हम, और मैंने यहाँ पे रेसिपी भी लिख दी है, ओके? नेक्स्ट है बैम्बू करी, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू, लेट्स लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो अब हम बैम्बू करी वाली स्टोरी पढ़ते हैं, ओके? ये एक फोक टेल है। नंबर फर्स्ट फर्स्ट इसमें क्या था, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संताल ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। सेकेंड है दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। जो इनके जमाई बाबू आए हैं तो वो पूछते बोलते हैं अपनी मदर इन लॉ को कि ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस डिश है, ये किससे बनती है। तो उनकी मदर क्या है, पॉइंट करती है बैम्बू, बैम्बू डोर की तरफ कि इससे बनी है, इससे बनी है, इसकी इसके पौधे से बनी है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लिव, जैसे वो जाने के अपने घर जाने के लिए होता है, ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसे याद आता है कि उसके गांव में तो बैम्बू बैम्बू है ही नहीं, बांस, बैम्बू को बांस बांस बोलते हैं हिंदी में, तो बांस के पेड़ है ही नहीं। सो ही रिमूव फ्रॉम ही So he removed the bamboo doors and
कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो क्या करता है वो बैम्बू के पेड़ उस डोर को ही अपने साथ लेके चला जाता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, और अपनी वाइफ से कहता है कि जो ये बैम्बू डोर है तो इससे क्या है करी बनाओ। शी शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाती है, उसको लगता है इससे कैसे बनेगा, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बैम्बू डोर, उसे लगता है मैं डोर से कैसे करी बनाऊंगी, मतलब वो शॉक्ड हो जाती है। सेवन ने क्या बोलते कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग बाय अप द बैम्बू ही सेड, वो क्या वो अपनी बीवी से कहता है वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हारी चॉपिंग करने में हेल्प करूंगा, मैं इसे काटने में इसको चॉप करने में इसको बारीक बारीक बनाने में आपको हेल्प करूंगा चॉपिंग काटना। His wife boiled it and boiled it, उसकी वाइफ इसे boiled कर दी जाती है। Later when her husband tasted it, he said, it is too hard to eat. You don't know how to cook. उसके हस्बैंड जब उसको टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत हार्ड है खाने में, तो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें ये बनाना नहीं आता है। His wife added more water and boiled it and boiled it, उसकी वाइफ को लगता है फिर से उसमें पानी डालती है बैम्बू के स्टिक्स को पकाने के लिए, फिर से पानी डालती है और पकाती है बॉयल एंड बॉयल इट, इट इज स्टिल टू हार्ड, और वो क्या है अभी भी बहुत हार्ड रह जाता है। आई कांट ईट इट, तो वो कहते हैं मैं इसे नहीं खा सकता। दी इन लॉ कैम टू विजिट दी यंग कपल दैट इवनिंग, और उसी दिन शाम को उसकी मदर इन लॉ आती है और देखने यंग कपल को। दे ऑल लाफ्ड एट दिस फुलिशनेस, और वो सब जब वो इस इनकी इनकी बेटी ने जब कहानी सुनाती है सुबह से क्या हुआ हमारे साथ, मतलब कैसे बैम्बू से खाना बनाया उन्होंने, कैसे बनाया और कितना पकाया और फिर भी नहीं बना वो टेस्टलेस बना। तो दी मदर इन लॉ सेड, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? तो उसकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि बैम्बू करी जो करी होती है ये बैम्बू शूट से बनती है, जो कोमल कोमल इसकी जो कलियाँ होती है उससे बनती है, ना कि बैम्बू डोर से बनती है। ये क्या है सिंपल फॉक टेल है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आप इस स्टोरी को पढ़िए, बहुत मजे आएंगे। देखो कैसे फ्लेशनेस कैसे कभी कभी कैसे काम हो जाते हैं किसी से, जब पता नहीं होता है तो कुछ भी करते थे। तो बैम्बू करी, लेट्स राइट क्वेश्चन, कंप्लीट दी सेंटेंस मीनिंगफुली। दी ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉ हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ, किसे बनाता क्यों लेके चला जाता है वो, इट्स मेड ऑफ बैम्बूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बैम्बूज, देयर वॉज नो बैम्बूज इन हिज बैम्बू विलेज, बैम्बू इन हिज विलेज, क्योंकि उसके गांव में क्या है बैम्बू नहीं होता है। तो वो क्या है उसके डोर, अपने मदर इन लॉ का डोर को ही लेके चला जाता है अपने साथ में। देखा होगा आपने इस स्टोरी में सुना, अभी जब हमने इससे पहले इस स्टोरी को पढ़ी थी तो क्या था, बैम्बू डोर को ही उठा के लेके चला जाता है अपने साथ, उसे लगता है मैं टेस्टी सी करी बनाऊंगी इसकी। द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट कुड नॉट ईट बिकॉज इट इज टू हार्ड, फिल इन द ब्लैंक विद द ऑर्डर द स्टोरी। द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ, मैंने ये इसके आंसर भी यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो आप अपने आप से कर लीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब प्लीज़।